जब भी झूम लेता हूँ उन हसीन आँखों को, सोच रहा अंधेरे में झिलमिलाने लगते हैं, जब भी चूम लेता हूँ। जब भी चूम लेता हूँ इन हसीन आंखों को, सौ चिराग अंधेरे में झिलमिलाने लगते हैं। जब भी चूम लेता हूँ इन हसीन आंखों को, सौ चिराग अंधेरे में झिलमिलाने लगते हैं। फूल क्या, शगुफे क्या, चांद क्या, सितारे क्या, सब रकीब कदमों पर सर झुकाने लगते हैं। सब रकीब कदमों पर सर झुकाने लगते हैं। रक्स करने लगती हैं मूरतें अजंता की, रक्स करने लगती हैं मूरतें अजंता की, मुद्दतों के लबस्तागार गाने लगते हैं। रक्स करने लगते हैं, रक्स मुद्दतों के लब बस्ता गारे क्या कहना हूँ। मैं शेर की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं अदायगी की तारीफ। मैंने उनकी एक और पोएम ली, सांप उसका टाइटल। आज चल में भर देना चाहता हूँ अपनी तरफ से कि मेरी ये नज़्म सिर्फ उन लोगों तक थी जो सुनते थे इसको, लेकिन इन्होंने इसको दिखा भी दिया तो उसका असर ज्यादा बढ़ गया है, तो मेरा मकसद उसमें बहुत कामयाब हुआ इनकी मदद से। हाँ, दूध इसको पिलाया गया, पढ़े पंडितों ने कई मंत्र ऐसे, ये कमबख्त फिर से जिलाया गया। शिवालय से निकला ये फुंकारता, रगे अर्ध पर डंक सा मारता। करीब एक वीरान मस्जिद थी, मस्जिद में जा छुपा, जहां इसको पेट्रोल से गुस्ल देकर हसीन एक तावीज गर्दन में डाला गया। उछल के वो गिरजा की दहलीज पर जा गिरा, जहां उसको सोने की केचल पहनाई गई, सलीब एक चांदी की सीने पर उसके सजाई गई। हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं, ये दोनों को मग़्ज़ और खून चाटता है। बने जब ये हिंदू मुसलमान इंसान, उसी दिन ये कमबख्त मर जाएगा। उर्दू के मुमताज शायर कैफी आजमी आजमगढ़ में पैदा हुए।
वो हुसूले तालीम के लिए लखनऊ आए और उस जमाने में यहाँ की सबसे बड़ी दरसगाह सुल्तानुल मदारिस व जामिया सुल्तानिया में दाखिला लिया और यहाँ हॉस्टल की जिंदगी गुजारी। लेकिन मदरसे की तालीम और यहाँ की सख्ती पसंद ना आई तो कानपुर चले गए और यहीं से उनकी शायरी का आगाज हुआ। उनकी इनकलाबी शायरी से पीसी जोशी बेहद मुतासिर हुए और वो अपने साथ कैफी को मुंबई ले गए। कम्यून में रहने के बाद वो जानकी कुटीर जुहू में रहने लगे। अपने जहन की खिड़कियों को हमेशा खुला रखा। उनकी जिंदगी में उस वक्त सहर हुई जब उनकी शादी शौकत से हुई। शुगुफ्तगी का लताफत का शाहकार हो तुम, फकत बहार नहीं हासिले बहार हो तुम। तुम्हारे जिस्म में पोशीदा हैं हजारों राग, निगाह छेड़ती है जिसको वो सितार हो तुम। हैदराबाद में वो आए थे और ये मालूम करके कि सरदार जाफरी, मजरूह सुल्तानपुरी, कैफी आज़मी ये सब आए हुए हैं और मेरी बहन के घर में ही ठहरे हैं, तो मुझे भी ज़रा वो था, ख्वाहिश थी कि इन लोगों से मिलूं, क्योंकि ये पोएट भी हैं और बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। तो मैं औरंगाबाद में थी जब अपने अब्बा के घर में, तो मैं गई और छोटियाप्यान के घर में ये लोग ठहरे थे, तो मैं भी आप जान के पास ठहर गई। तो वहाँ पर जिस रात को मुशायरा था और काफ़ी लोग जमा थे, तो मैंने भी बहुत खूबसूरत कपड़े पहने थे, मतलब ये है कि सलवार सफ़ेद, कुर्ता सफ़ेद और खौसे खदा के रंग का दुपट्टा, तो वो दुपट्टा मैंने खुद रंगा था, तो बहुत अट्रैक्टिव उस वक्त मैं लग रही थी। ये बात मैं आपसे कर रही हूँ क्योंकि ये सच्चाई है। तो हाँ, और मेरी जो दोस्त थी वो अख्तर भाई की बहन थी, तो हम दोनों बहुत एक दूसरे को मात दे रहे थे। तो ये हुआ कि कैफी आज़मी मुझे देखते हुए वहीं रुक गए और काफ़ी गुफ्तगू की मुझसे। तो खैर, मैं तो ऐसे ही के अच्छे शायर हैं ये हैं करके, मगर मैंने देखा कि ये बहुत अट्रैक्टिव आदमी भी है। तो ये हुआ कि हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे तो कैफी जो है मुझसे बातें करने लगे कि आप उतनी दूर से आई, ये है वो है, क्या करती हैं आप, ये वो। तो हम सीढ़ियों पर बैठ गए और वहीं ये गुफ्तगू शुरू हुई। तो मेरी बहन को एकदम डर लगा कि ये कहीं इसमें इंटरेस्ट ना ले ले, और मेरी मेरे मामूजाद भाई से मेरी शादी होने वाली थी, तो कहीं उस्मान को ना धोखा हो जाए। तो आपजान ने ज़ोर से पुकार के बोला कि कैफी, शौकत की शादी 3 महीने बाद होने वाली है, तुम भी ज़रूर आना। तो कैफी जो है दंग रह गए और कुछ बातें करते करते कहने लगे, मैं तो कभी शादी नहीं करूँगा। कैफी जो है एक नज़्म पढ़ के, वो किताब में लिख के, कॉपी में लिख के बंद करके रख दी थी, क्योंकि सब ने बोल दिया था कि इनके साथ तो तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। तो शौकत के नाम, वो चांद जिसकी तमन्ना थी मेरी रातों को, तुम ही वो चांद हो इस चांद सी जबी की कसम।
वो फूल जिसके लिए मैं चमन चमन में गया, तुम ही वो फूल हो रुखसार अहमरी की कसम। तलाश जिसकी मेरी रूह शायरी को थी, वो शहर व नगमा इसी चश्म कैफ बार में है। घुली हुई है गुलिस्तां की चांदनी जिसमें, वो गुंचगी इसी लब में इसी अजार में है। लचकता कांपता कामत घने घने गेसु, मुजस्समा है तू मेरे हसीन ख्वाबों का। कैफी जब बम्बई जाते हैं तो उनको एक और बहुत ही सेहतमंद अदबी माहौल बम्बई में मिलता है, और वहाँ मज़दूरों की जो तंजीमें हैं उन मज़दूरों की तंजीमों के साथ मिल कर के उस पूरी तहरीक को आगे बढ़ाते हैं। वो कम्यून में रहते हैं वहाँ, और कम्यून में रह कर के आम लोगों की तरह अपने आप को आइडेंटिफाई करना, मज़दूरों के साथ ख़ुद को आइडेंटिफाई करना, मज़दूर बस्तियों में जा कर के अपनी बातें कहना, ये एक बड़ा कारनामा है। और उसके तहत जो शायरी कैफी की सामने उभर करके आती है, मकान जैसी नज़्म कहते हैं, तासुब के ख़िलाफ़ जो है, कम्युनलिज्म के ख़िलाफ़ जिस तरह से कैफी ने नज़में लिखी, ये वहीं बैठ करके उससे जो उन्हें माहौल उस वो माहौल मिलता है उससे ताकत हासिल करते हैं। और यही नहीं बल्कि आज़ादी की तहरीक से मुतासिर होकर के कि हर तरह की जुल्म व ज़्यादती का मुकाबला करने का जो हौसला है, उस हौसले के तहत जिस तरह के शेर कैफी कहते हुए नज़र आते हैं कि एलाने हक में ख़तरे दारो रसन तो है, लेकिन सवाल ये है कि दारो रसन के बाद, ये सवाल खड़ा करते हैं कैफी जो है मज़दूरों की हालत को देख करके कि मकान जैसी नज़्म के, आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात ना फुटपाथ पे नींद आएगी, तुम उठो मैं भी उठूं, तुम भी उठो तुम भी उठो, कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी, आज की रात ना फुटपाथ पे नींद आएगी। और पूरी इंसानी तारीख को जो है सामने, उसका तारीख का मुताला जिस तरह से है कैफी का, कहते हैं कि ये ज़मीन तब भी निगल लेने को आमादा थी, प्री हिस्टोरिक पीरियड, ये ज़मीन तब भी निगल लेने को आमादा थी, पांव जब टूटती शाखों से उतारे हमने, इन मकानों को ख़बर है न मकीनों को ख़बर, उन दिनों की जो गुफाओं में गुजारे हमने, बिजलियां तोड़ लिया कर आंधियां तोड़ लिया करती थी शम्मों की लवें, जड़ दिए इसलिए बिजली के सितारे हमने, कि ये दीवार बुलंद और बुलंद और बुलंद, बामो दर और ज़रा और संवारे हमने, और बन गया कसर तो पहरे पे कोई बैठ गया, सो रहे खाक पे हम शोरिश तामीर लिए, आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात न फुटपाथ पे नींद आएगी। इस तरह की नज़में जो है वो कैफी कहते हैं, और मज़दूर बस्तियों में जा कर के उन्हें जो मकबूलियत हासिल होती है, या जो कम्युनल माहौल है उस कम्युनल माहौल को जो है जिस तरह से कैफी ने अपने यहाँ उसकी अक्कासी की है, बहुत कम आपको ये मिलेगा। कैफी आज़मी की शायरी के चार मजमूए शाया हुए, झनकार, आखिर शब, आवारा सजदे और इबलीस की मजलिस शोरा, और फिल्मी गीतों का मजमूआ मेरी आवाज सुनो। बाद में उनकी कुलियात कैफियात के नाम से मंजरे आम पर आई। उन पर बहुत से मुस्तनद कलमकारों ने किताबें तहरीर की और उनकी शेरी खिदमात का एतराफ किया। उनकी किताब आवारा सजदे के खिलाफ कुछ शिद्दत पसंद अफराद ने मुखालफत की और किताब को जब्त करने के साथ उन्हें जेल में डालने का मुतालबा भी किया। कैफी साहब का जो क्रिएटिव प्रोसेस था वो दुनिया से निराला था। आम तौर पे ये देखा गया है कि जब कोई शायर लिख रहा होता है या कोई राइटर लिख रहे होते हैं तो पूरे ख़ानदान को ये बताया जाता है कि ये बहुत अहम काम कर रहे हैं और इसलिए दबे पाओ, उनके कमरे के सामने से जाओ और बिल्कुल भी शोर मत मचाओ। लेकिन अब्बा के साथ ऐसा कुछ नहीं होता था।
वो जब लिख रहे होते थे तो हमेशा उनकी स्टडी का दरवाज़ा खुला रहता था ताकि उनको इस बात का एहसास रहे कि और बाकी के कमरों में क्या चल रहा है। ज़ोर ज़ोर से रेडियो बंद बजता था, ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें आती थीं, बहुत सारा शोर मचता था और उनको उस शोर से ज़रा भी डिस्टर्ब नहीं होते थे। बल्कि मुझे याद है कि एक बार मुझे ऐसा लगा कि उनके कमरे का उनके स्टडी में जहाँ उनका डेस्क रहता था, राइटिंग टेबल, वो इस तरह से था कि मुझे ऐसा लगा कि उनको बहुत डिस्टर्बेंस होती होगी, तो मैंने वो उसको ज़रा परे कर दिया दरवाजे से। अब्बा लिख ही नहीं पाए और उन्होंने कहा नहीं, मुझे इस तरह से अपने कमरे में बिल्कुल अलग मत कर दो, मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं जानूँ कि बाकी के लोग, बच्चे, बीवी, सब लोग क्या कर रहे हैं। तो ये उनका तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ था। ऊपर से मैंने हमेशा ये नोटिस किया था कि जब उनको कोई डेडलाइन मीट करनी होती, यानी कि कोई फिल्म का गाना आज रात ख़त्म करना ही है ताकि कल सुबह में उसको दे दें डायरेक्टर को, तब उनको इंतहाई गैर ज़रूरी चीज़ें याद आने लगती थी। मसलन वो अपना कबट साफ़ करने लगते थे, अपना डेस्क साफ़ करने लगते थे, उसमें कई ऐसे ख़त जिनको उन्होंने बरसों से जवाब नहीं दिया था, उसी वक्त ये ज़रूरी हो जाता था कि वो बेमकसद ख़त जो हैं उनका जवाब वो देने लगे। लेकिन बाद में मैंने ये रियलाइज़ किया कि बेसिकली उनका जो क्रिएटिव प्रोसेस है, वो जब ये बाकी के काम कर रहे होते थे तो वो साइमल्टेनियसली चलता रहता था, और कहीं इट वाज दैट यूज्ड टू गिव देम द स्ट्रेंथ टू कम आउट विद द ब्यूटीफुल पोएट्री दैट ही डिड। कैफ़ी साहब की बहुत सारी नज़में मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ज़ाहिर है कि अव्वल नंबर मैं औरत का ही लूँगी, जो कि आज से 65 साल पहले उन्होंने लिखी थी, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। उसमें गैर मामूली नज़्म है वो, और आप देखिए इतने सालों पहले उन्होंने लिखी थी और आज भी वो कितना फिट बैठती है हमारे एनवायरनमेंट में। मुझे ये बात उनकी इतनी अच्छी लगती है कि वो कहते हैं कि तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी है एक चीज़ जवानी ही नहीं, अपनी तारीख का उनवान बदलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। या ज़िंदगी जहद में है सब्र के काबू में नहीं, उड़ने खुलने में है निकट खमे गेसू में नहीं, जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं, उसकी आवाज़ रविश पर भी मचलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। कैफ़ी अपनी मखसूस किस्म की फिल्मी और अदबी शायरी के लिए बहुत पसंद किए गए। कैफ़ी आज़मी की अज़दवाजी ज़िंदगी हमेशा खुशगवार रही। उन्हें ज़िंदगी में हिंदुस्तानी तहजीब और फिल्म अदब की अजीम तरीन शख्सियतों से बहुत प्यार मिला, शोहरत और मकबूलियत मिली। मैं कैफ़ी आज़मी के बारे में कुछ कहने से पहले ये चाहूँगा कि उनकी एक लखनऊ पे बहुत मशहूर नज़्म है, अज़ाम में बहते थे आंसू यहाँ, लहू तो नहीं ये कोई और जगह होगी, लखनऊ तो नहीं और यहाँ तो चलती है छुरियाँ जुबान से, पहले ये मीरनीस की आतिश की गुफ्तगु तो नहीं, ये मी टपक रहा है जो जख्मों से दोनों फिरकों के बगौर, देखो ये इस्लाम का लहू तो नहीं बगौर, और तुम इसका रख लो कोई और नाम, मौजूं सा किया है खून से, किया है खून से जो तुमने वो
वजू तो नहीं किया है खून से, बुझा रहे हैं जिसे आप अपने दामन से, कहीं वो आप ही की शम्मे यार तो नहीं, कहीं वो ओ समझ के माल मेरा तुमने जिसको लूटा है, समझ के माल मेरा जिसको तुमने लूटा है, पड़ोसियों वो तुम्हारी आबरू तो नहीं, पड़ो अजा में बहते थे आंसू यहाँ लहू तो नहीं, ये कोई और जगह होगी लखनऊ। अपने वालिद कैफी आजमी की याद में शबाना आजमी यूपी हुकूमत की माली इमदाद से ऑल इंडिया कैफी आजमी एकेडमी की तामीर के लिए सरगर्म अमल हैं। तो कैफी साहब ने अगर औरत के हकूक़ के बारे में लिखा तो ये कोई एक पॉलिटिकली राइट बात है इसलिए नहीं लिखा, बल्कि वो इस पे यकीन रखते थे, और उसके दो जिंदा सबूत एक शौकत कैफी और एक शबाना आजमी उनकी ज़िंदगी में है कि उन्होंने अपनी बेटी को कैसे पाला, उनके अपनी बीवी से क्या मरासिम थे, वो उसमें क्या हिफ्ज़ मरातिब थे वो आप जानते हैं। अगर उन्होंने सेकुलरिज्म के बारे में लिखा तो सेकुलरिज्म जो है वो एक उनके लिए खोखला नारा नहीं था, या कोई लोगों के दिल जीतने का हरबा नहीं था ना वोट हासिल करने का, बल्कि वो उनके जीने का तरीका था, वैसे ही रहते थे वो। ये वो इंसान था कि जो सोचा वो किया, जो कॉल था वही फेल था। तो उनके जाने के बाद मैंने एक नज़्म कही जो कि बहरहाल मेरा एक हकीर सा इजहार अकीदत है उनकी तरफ। नज़्म का उन्वान है अजीब आदमी था वो, अजीब आदमी था वो, मोहब्बतों का गीत था बगावतों का राग था, कभी वो सिर्फ फूल था कभी वो सिर्फ आग था, अजीब आदमी था वो। वो मुफलिसों से कहता था कि दिन बदल भी सकते हैं, वो जाबिरों से कहता था तुम्हारे सर पे सोने के जो ताज हैं कभी पिघल भी सकते हैं, वो बंदिशों से कहता था मैं तुमको तोड़ सकता हूँ, सहूलतों से कहता था मैं तुमको छोड़ सकता हूँ, हवाओं से वो कहता था मैं तुमको मोड़ सकता हूँ, वो ख्वाब से ये कहता था कि तुझको सच करूँगा मैं, वो आरज़ू से कहता था मैं तेरा हम सफ़र हूँ तेरे साथ ही चलूँगा मैं, तू चाहे जितनी दूर भी बना ले अपनी मंजिलें कभी नहीं थकूँगा मैं, वो ज़िंदगी से कहता था कि तुझको मैं सजाऊँगा तू मुझसे चांद मांग ले मैं चांद लेके आऊँगा, वो आदमी से कहता था कि आदमी से प्यार कर उजड़ रही है ये ज़मीन कुछ इसका आप सिंगार कर, अजीब आदमी था वो ज़िंदगी के सारे गम तमाम दुख हर एक सितम से कहता था मैं तुमसे जीत जाऊँगा, कि तुमको तो मिटा ही देगा एक रोज़ आदमी भुला ही देगा ये जहाँ, मेरी अलग है दास्तां वो आँखें जिनमें ख्वाब है, वो दिल है जिनमें धड़कनें, वो बाजू जिनमें है सकत, वो होंठ जिन पे लफ्ज़ हैं, रहूँगा उनके दरमियाँ कि जब मैं बीत जाऊँगा, अजीब आदमी था वो।